हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चंस को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। जैसे कि मैं डेली बेसिस पे आपको वीडियो प्रोवाइड करा रही हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में, आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। एंड दोस्तों, जैसा कि आपका जो एग्जाम है बीपीएससी तैयारी 3 का, जून में कंडक्ट करा लिया जाएगा। एंड चुनाव के बाद और स्टेट में भी वैकेंसी आएंगी, तो पहले से आप प्रिपरेशन किए रहेंगे और लगातार लगे रहेंगे, तभी आपको कोई सीट मिलेगा। तो दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पे सभी प्रकार के वीडियोज अवेलेबल हैं। थ्योरी सेशन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी चैप्टर का है, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड डेली बेसिस मैं आपको प्रैक्टिस करा ही रही हूँ। तो प्लेलिस्ट में जाइए, सभी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन कुछ हाई लेवल के होंगे आज के वीडियो में, और कुछ लो लेवल के भी होंगे, तो आप इसको छोड़कर भागिएगा मत। मैदान छोड़ के भागेंगे तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा दोस्तों। आप डटे रहिए और जब वीडियो देखिए तो शुरू से लास्ट तक सभी क्वेश्चन देखिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को देखना आपको जरूरी है। कौन सा क्वेश्चन पूछ देगा ये आपको पता नहीं है। तो दोस्तों, क्वेश्चन है, प्रतियोगिता काल अवस्था किस चक्र की होती है? आप जानते हैं कि पीरियडाइजेशन अवधि कालीनता में 3 फेज होते हैं, प्रिपरेशन पीरियड, कंपटीशन पीरियड एंड ट्रांजिशनल पीरियड। उसमें भी जो आपका होता है प्रशिक्षण चक्र, ट्रेनिंग साइकिल जो है 3 होते हैं, मैक्रो चक्र, मीजो चक्र एंड माइक्रो चक्र। जिसमें से जो मैक्रो चक्र होता है उसमें ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रिपरेशन किया जाता है, और जबकि जो आपका मीजो चक्र होता है उसे तैयारी काल या प्रतियोगिता काल अवस्था भी हम कहेंगे। तो यहाँ पे प्रतियोगिता काल अवस्था किस चक्र की होती है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मीजो चक्र। नेक्स्ट है, अवधिकालीनता में प्रशिक्षण तीव्रता को अधिकतम रखते हैं और आयतन को घटाते हैं, यह कौन सी अवस्था है? तो दोस्तों, जब प्रिपरेशन पीरियड होता है तो उसमें जो तीव्रता होती है यानी कि इंटेंसिटी कम रखते हैं, और वैल्यू यानी समय ज्यादा रखते हैं, दोनों चीजें। जबकि जब आपका तीव्रता यहाँ पे अधिक है, आयतन कम है, तो यहाँ पे प्रतियोगिता काल यानी कि कंपटीशन पीरियड आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क आपका राइट है। आपको पता है पीरियडाइजेशन में 3 फेज होते हैं, प्रिपेटरी पीरियड, कंपटीशन पीरियड एंड ट्रांजिशनल पीरियड। प्रिपेटरी पीरियड सबसे लंबा समय होता है, जहां एथलीट को प्रिपरेशन का मुख्य पार्ट होता है, जिस 6-7 महीने का होता है। और कंपटीशन पीरियड वह समय होता है जो मेन कंपटीशन होती है, ये 3-4 महीने का होता है। उसके बाद आता है ट्रांजिशनल पीरियड, वह समय जहाँ एथलीट को रेस्ट दिया जाता है ताकि वह अगले साल फिर से नए पीरियडाइजेशन को शुरू कर सके। यानी जो ट्रांजिशन पीरियड होता है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रांजिशन पीरियड को एक्टिव रिकवरी फेज भी कहा जाता है, याद रखिएगा, इसमें आराम दिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सबसे अधिक विषैला यानी टॉक्सिक होता है? दोस्तों, ये सभी यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन, ये सभी टॉक्सिक पदार्थ है जो हमारे यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। बट जो अमोनिया है, ये सबसे बड़ा जहर, सबसे बड़ा टॉक्सिक विषैला है दोस्तों, जिसको अमोनिया को यूरिन में बदल देता है हमारा लीवर। ठीक है, जो प्रोटीन होता है वो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन आदि से मिलकर बना होता है, कार्बन, ठीक है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। और वहाँ पे जब लीवर में जाता है प्रोटीन, तो वहाँ पे जो नाइट्रोजन उससे अलग हो जाता है और ये अमोनिया बचता है। तो अमोनिया महान जहर होता है दोस्तों, विषैला होता है। अगर लीवर नहीं होता तो इंसान जिंदा नहीं रह पाता, अमोनिया जो है पूरे शरीर में फैल जाता और शरीर इंसान की तुरंत मृत्यु हो जाती। इसलिए लीवर जो है हमारे शरीर का राजा है। लीवर अगर खराब हो गया तो जिंदगी एकदम खराब हो गई, आप अच्छे से रह नहीं सकते। तो अमोनिया जो है सबसे ज्यादा विषैला चीज है, टॉक्सिक है। नेक्स्ट दोस्तों, प्रतियोगिता के दौरान
खिलाड़ी के शिखर प्रदर्शन को व्यवस्थित, नियंत्रित और नियमित किया जा सकता है, यह कौन सी अवस्था होती है? तो दोस्तों, प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ी के शिखर प्रदर्शन को व्यवस्थित, नियंत्रित और नियमित किया जा सकता है, यह अवस्था जो है आपका विश्राम काल यानी कि रिकवरी फेज जो होता है उसमें होती है। नेक्स्ट है, प्रशिक्षण काल 3 सप्ताह से 6 सप्ताह तक होता है, यह कौन सा चक्र कहलाता है? तो दोस्तों, जो आपका प्रशिक्षण काल होता है मैक्रो चक्र, वो 3 से 12 महीना या 1 साल का होता है, जिसे जो सबसे बड़ा ट्रेनिंग साइकिल होता है। दूसरा होता है मेजो चक्र, जिसे तैयारी काल भी कहते हैं, 3 से 6 सप्ताह का होता है। मेजो चक्र को मासिक ट्रेनिंग चक्र, अवस्थान चक्र, मध्यम समय भी कहा जाता है। और तीसरा होता है माइक्रो चक्र, जो सूक्ष्म अवधि या साप्ताहिक योजना भी कहा जाता है। ये सबसे छोटा चक्र होता है, 3 से 10 दिन या 1 सप्ताह का होता है। यहाँ प्रशिक्षण काल की 3 से 6 सप्ताह की बात कहा है, 3 से 6 सप्ताह, 1 से 1.5 महीने का जो भी प्रशिक्षण चक्र होता है उसे मेजो चक्र कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रशिक्षण काल में खिलाड़ी के कौशल अभ्यास के 2 वास्तविक उद्देश्य किसने प्रतिपादित किए थे? तो वे थे मेडवेडेव। नेक्स्ट है, लोगस शब्द का अर्थ है दोस्तों, जहां भी आपको किन्सियोलॉजी, बायोलॉजी एंड ऐसे शब्द आएंगे तो हमेशा उसमें लोगस शब्द से लिया गया है। जैसे कि किन्सियोलॉजी, किन्सिस प्लस लोगस से लिया गया है। किन्सिस का मतलब होगा गति और लोगस से हो गया अध्ययन करना यानी गति का अध्ययन। तो यहाँ पे लोगस का शाब्दिक अर्थ होगा अध्ययन करना। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा के विद्यार्थियों व व्यायामियों के शरीर के बड़े मांसपेशीय समूहों को शक्तिशाली बनाने और ठीक रखने के विषय में अथवा उनमें गति को समझने के विषय में निम्न विषय सहायक है। तो आप समझ सकते हैं, ये आपकी गति की बात कर रहा है, तो यहाँ पे गति विज्ञान यानी किन्सियोलॉजी सहायक है। नेक्स्ट है, हृदय एक पेशी है ना कि प्राकृतिक ऊष्मा के जैविक द्रव्य का स्थान, यह कथन किसने कहा है? इस कथन को कहा है नाइल्स स्टेनसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स फिलोसोफिया नामक, सॉरी दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स फिलोसोफिया नेचुरल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं न्यूटन, जिन्होंने गति के 3 नियमों, जड़त्व का नियम, त्वरण का नियम और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम प्रतिपादित किए हैं। नेक्स्ट है, 50वीं शताब्दी में निम्न वैज्ञानिक ने जल चिकित्सा और भार एवं खिंचाव के प्रयोग के साथ साथ चिकित्सा रख रखाव के प्रचलन की भी व्याख्या की थी, तो वो विद्वान कौन थे? वो थे अकरेलियंस। कौन थे? अकरेलियंस। नेक्स्ट है, 7वीं शताब्दी में निम्न वैज्ञानिक ने व्यायामों की एक तीव्र गति के रूप में परिभाषित करते हुए इसे शरीर के अंगों को स्वस्थ रखने वाली क्रियात्मक क्रिया माना है, तो किसने माना है? ये है पोल एजेंटा। नेक्स्ट है, तैराकी के अंग गति विज्ञान में उचित माने जाने वाले तरलशील पिंडों के द्रव्य स्थैतिक सिद्धांत निम्न वैज्ञानिक ने दिए हैं, द्रव्य स्थैतिक सिद्धांत को दिया है अकरेलियंस ने। नेक्स्ट है, निम्न योग मन की चंचलता को समाप्त कर इच्छाओं को नियंत्रण करना सिखाता है, यानी योग चित्त वृत्ति निरोध, इस बात को कहे हैं महर्षि पतंजलि ने, यानी कि मन की चंचलता को समाप्त कर इच्छाओं को नियंत्रण करना सिखाता है, तो यह सिखाता है राजयोग। कौन सिखाता है इसको? राजयोग। जैसे योग के कई प्रकार है, कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग, राजयोग, मंत्र योग, लय योग, भक्ति योग। इसमें से कर्म योग में कर्म करने का योग है, ज्ञान योग में ज्ञान और विवेक का योग है, और हठ योग में शारीरिक व मानसिक शुद्धि प्राप्त करने वाला योग है, और राजयोग जो है मन के जागृत तथा ज्ञान केंद्र को जगाने का केंद्र है, और मंत्र योग क्या है कि क्षण कंपन का प्रयोग करते हुए मन को स्वतंत्र करने का योग है, मंत्र योग।
लय योग जो है व्यक्तित्व को जानते हुए विलय करने का योग है, और भक्ति योग सघन भक्ति करने का योग है। नेक्स्ट है, भारतीय शारीरिक शिक्षा में ड्रिल को अनिवार्य विषय किसने बनाया? तो इसको अंग्रेजों ने बनाया दोस्तों, यहाँ पे अंग्रेज आए तो इस ड्रिल को अनिवार्य विषय बनाए। नेक्स्ट है, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो आप सबको पता है YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना भारत में 1920 चेन्नई मद्रास में अमेरिका से आए हुए विशेषज्ञ HC Buck यानी हैरी क्रो बक ने किया था, इसलिए भारत में शारीरिक शिक्षा का पितामह भी कहे जाते हैं HC Buck। जैसे कि सबसे पहले YMCA की स्थापना 6 जून 1844 में जॉर्ज विलियम ने लंदन में किया था, उसके बाद अमेरिका में 1883 में स्प्रिंगफील्ड में YMCA प्रशिक्षण की शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट है, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना किसने किया था? तो इसको HC Buck ने किया था। नेक्स्ट है, श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना कब हुई थी? आप सबको पता है श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना 1914 में अमरावती महाराष्ट्र में दो वैद्य भाई अंबादास कृष्ण वैद्य तथा अनंत कृष्ण वैद्य ने किया था, जिसका उद्देश्य था भारत में देशीय शारीरिक शिक्षा का विकास करना। नेक्स्ट है, वही क्वेश्चन आ गया, श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती की स्थापना किसने की थी? तो दो वैद्य भाइयों ने किया था, अंबादास पंत और अनंत दास पंत। ऑप्शन नंबर को राइट होगा। नेक्स्ट है, हैदराबाद में शारीरिक शिक्षा का राजकीय कॉलेज कब खोला गया? तो दोस्तों हैदराबाद में शारीरिक शिक्षा का राजकीय कॉलेज जो है 1931 में खोला गया। नेक्स्ट है, 1932 ईस्वी में लखनऊ में क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा कॉलेज किस देश के सहयोग से खोला गया? तो क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ लखनऊ की स्थापना जो है 1932 में अमेरिका के सहयोग से किया गया। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण कांदिवली मुंबई की स्थापना कब हुई, कब खोला गया? तो यह दोस्तों कांदिवली मुंबई की स्थापना हुआ 1938 में। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा कॉलेज ऑफ लाहौर की स्थापना कब और किसने की? तो शारीरिक शिक्षा कॉलेज लाहौर की स्थापना हुआ 1940 में हेग के द्वारा। नेक्स्ट है, राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम कब से शुरू किया गया? तो राजकुमारी अमृत कोचिंग स्कीम जो है 1953 में पटियाला में शुरू किया गया, जिसमें अच्छे खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। और राजकुमारी अमृत कौर भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री एंड ए टेनिस प्लेयर भी थी। नेक्स्ट है, 13 से 16 साल की लड़कियों के लिए NCC स्कीम कब शामिल हुआ? नेशनल NCC दोस्तों, NCC की स्थापना जो है 1948 में हुआ था, लेकिन 13 से 16 साल की लड़कियों के लिए NCC की स्कीम कब लागू हुआ? तो यह लागू हुआ 1952 में, जबकि NSS की स्थापना जो है 1969 में हुआ था, NCC 1948। नेक्स्ट है, प्रथम ओलंपिक 1896 की आयोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम ओलंपिक आधुनिक ओलंपिक 1896 में एथेंस के पेनाथोनिक स्टेडियम में हुआ था, जिसके आयोजन समिति के अध्यक्ष थे प्रिंस कॉन्स्टेंटाइन। नेक्स्ट है, आधुनिक ओलंपिक का पुनरुत्थान किसके कठिन प्रयासों का परिणाम है? तो दोस्तों आपको पता है कि आधुनिक ओलंपिक के पितामह कहे जाते हैं बैरन पियर डी कुबर्टिन। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो आप सबको पता है यूनान के एथेंस शहर में पेनाथेनिक स्टेडियम में 1896 में। नेक्स्ट है, आधुनिक ओलंपिक्स का स्थल किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो दोस्तों सभी देश अपने अपने
दावेदार होते हैं, जिसमें से IOC यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है उसमें से किसी देश के एक शहर को चुनती है, देश को नहीं देश के शहर को चुनती है। तो कौन? IOC चुनती है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो दोस्तों जो IOC के अध्यक्ष होते हैं उसको 8 वर्ष के लिए चुना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन प्रतियोगिता के लिए अर्हता का नियम नहीं है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर, जैसे कि कौन प्रतियोगिता के लिए अर्हता का नियम नहीं है यानी कौन उसके योग्य नहीं है, तो योग्य कौन है उसको देखेंगे कि सदस्य देश का निवासी अथवा नागरिकता प्राप्त व्यक्ति हो। तो ओलंपिक में जो भी प्रतिभागी होगा वो देश का निवासी हो, नागरिकता प्राप्त हो उस देश का, एंड उसे आगामी ओलंपिक्स में सिर्फ एक देश के लिए खेलना चाहिए, दूसरे देश के लिए नहीं। यदि आप एक बार भारत देश के लिए खेल चुके हैं तो भविष्य में भी आप भारत देश के लिए ही तरफ से ही खेलेंगे, अन्य देश की तरफ से नहीं। उसे शौकिया खिलाड़ी होना चाहिए यानी कि उसका इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें, ठीक है, धन के लिए न खेले। और यहाँ पे कौन नियम नहीं है, तो उसकी उम्र 40 वर्ष से कम हो, ये उम्र ये आपका नियम नहीं है। नेक्स्ट है, औपचारिक ओलंपिक ध्वज का उपयोग कब किया गया? तो औपचारिक ओलंपिक ध्वज का उपयोग जो है, जैसे कि ओलंपिक ध्वज को बनाया 1913 में बैरन डी कुबर्टिन ने, एंड इसको सबसे पहले फहराया गया 1920 एंटवर्प ओलंपिक में, और सबसे पहले शपथ ग्रहण भी शुरू हुआ 1920 एंटवर्प ओलंपिक में। दोनों चीजें याद रखिएगा, एंड कबूतर भी छोड़ा गया सबसे पहले 1920 एंटवर्प ओलंपिक में, तीनों चीजें 1920 एंटवर्प ओलंपिक में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वर्षों और ओलंपिक खेलों में मेल मिलाइए। तो आप सबको पता ही है कि 1948 का ओलंपिक कहाँ हुआ था, लंदन इंग्लैंड में, तो एक का 2 हो गया, ठीक है। एंड 1980 मॉस्को रूस में हुआ था, तो बी का 1 हो गया। एंड 1956 मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, तो सी का 4 हो गया। 1960 रोम में हुआ था, तो डी का 3 हो गया। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ख यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, 10 डिग्री सेल्सियस को फॉरेनहाइट में बदलना है, तो आप बदल के देख लीजिए। इसका सूत्र होता है सेल्सियस को फॉरेनहाइट में बदलने के लिए, सी गुणे 9/5 प्लस 32, यहाँ पे निकालेंगे तो 50 आएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्रिया पद्धतियों में शीत दंश यानी कोल्ड बाइट की सर्वाधिक संभावना किसमें होती है? तो दोस्तों ये सबसे ज्यादा संभावना होती है फिर से काम लाने लायक ठंडे पैक्स के द्वारा, अगर दोबारा उसी चीज को आप यूज कर रहे हैं तब। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन पैराफिन बॉथ के उपयोग के लिए असंगत है? पैराफिन बॉथ यानी कि जो होता है आपका जो मोम स्नान होता है उसे पैराफिन बॉथ कहा जाता है, मोम स्नान को पैराफिन बॉथ कहा जाता है। तो जो जोड़ों वाले चोटे होते हैं, जो पैराफिन बॉथ होता है वो जोड़ों की चोटों विशेषकर हाथ पैर और घुटने में, जिसके अलावा हड्डी टूटे अंग पर प्लास्टर खुलने के बाद होता है, और इसे जो है रक्त संचरण बढ़ता है, दर्द कम होता है, चोटग्रस्त भाग को आराम होता है, पैराफिन स्तर मोटी हो जाने से उष्मारोधी से बचाव करता है। तो यहाँ पे कौन असंगत है, तो यहाँ पे आपको देखना है गति का कोई विस्तार नहीं, चिरकालीन दशा पीड़ा में ये उपयोग किया जाता है, बट त्वचा की दशाओं पर इस प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित क्रिया पद्धतियों में किसमें संवहन ताप की स्थानांतरण की विधि के रूप में उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा संवहन ताप। दोस्तों यहाँ पे आप जब जल चिकित्सा हाइड्रोथेरेपी मैंने बताया हुआ है, वहाँ पे मैंने आपको डिटेल में थ्योरी सेशन पढ़ाया हुआ है कि जो संवहन ताप का स्थानांतरण जो है व्हर्लपूल बाथ यानी भंवर स्नान में किया जाता है, जिसमें एक टब होता है, जल विलय तकनीक भी कहा जाता है, टब में गर्म पानी मशीनी तकनीक के द्वारा भंवर के रूप में घूमता है, जिसमें शरीर के भाग को डुबोया जाता है, जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स उदासीन होकर शरीर के भाग को बायंसी लॉ यानी कि बायंसी टेक्निक के कारण पानी में तैरने में सहायता करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शीत के अनुप्रयोग का स्थानीय प्रभाव नहीं है? शीत के अनुप्रयोग का स्थानीय प्रभाव नहीं है, ये आपको देखना है। तो यहाँ पे कोशिका चय अपचय की घटी दर हो जाती है शीत के अनुप्रयोग से, डिक्रीज रेट ऑफ सेल मेटाबॉलिज्म, पेशी धुरी की घटी हुई सक्रियता, डिक्रीज एक्टिवेशन ऑफ मसल्स स्पिंडल, स्नायु चालन का घटा हुआ वेग, डिक्रीज वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रल कंडक्शन, ये आपका स्थानीय प्रभाव है। बट आपका क्षेत्रों में द्रव का घटा हुआ लसीलापन ये आपका नहीं होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्रिया पद्धतियों में किसमें भेदन की सर्वाधिक गहराई होती है? तो दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा भेदन की गहराई इंफ्रारेड लैंप में होती है। ये एक विद्युत चिकित्सा है जिसमें आपका इंफ्रारेड लैंप जो है एक प्रकार का क्या है, विद्युत चिकित्सा है। इसमें मुलायम ऊतकों की चोटों जब सूजन खत्म हो जाती है तब प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का इसमें प्रयोग किया जाता है, जैसे सूर्य से ऊर्जा लेता है या विद्युत हीटर आदि से। इसे तरंगों की लंबाई 40 लाख एम्पियर से 77 लाख 100 एम्पियर यूनिट होता है। किरणों को जो है इसमें जो इंफ्रारेड लैंप होता है, किरणों को त्वचा पर 90 डिग्री कोण से डाला जाता है। दो प्रकार का होता है, प्रकाशयुक्त यानी कि अप्रकाशयुक्त यानी नॉन ल्यूमिनस एंड प्रकाशयुक्त यानी ल्यूमिनस। नेक्स्ट है, ताप के अनुप्रयोग का स्थानीय प्रभाव निम्न में से कौन नहीं है? तो ताप के अनुप्रयोग हम करेंगे तो जो स्थानीय प्रभाव क्या क्या होगा इसमें देखेंगे और कौन नहीं है। तो यहाँ पे कोशिका चयापचय की वृद्धि होती है, इंक्रीज रेट ऑफ सेल मेटाबॉलिज्म, कोमल ऊतकों की वर्धित लोच यानी इंक्रीज इलास्टिसिटी ऑफ सॉफ्ट टिश्यू होती है जब ताप का अनुप्रयोग करते हैं, वृद्धित पेशी शक्ति यानी कि इंक्रीज मसल्स स्ट्रेंथ आपका यहाँ पे स्थानीय प्रभाव नहीं है और दोनों है। नेक्स्ट दोस्तों कि ऊतकों में भौतिक रासायनिक परिवर्तन फिजिकल केमिकल चेंज लाने के लिए निम्नलिखित कार्य पद्धतियों में किसका चयन होगा? दोस्तों हमारे ब्रेन से जो मोटर नर्व होता है उसके माध्यम से उसमें जो है एक्शन पोटेंशियल आता है, न्यूरो जैसे कि हमारा जो न्यूरो मस्कुलर जंक्शंस होता है वहां पे ये सभी क्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा हस्तक्षेपी उद्दीपन यानी कि इंटरवेंशनल स्टिमुलेशन। नेक्स्ट है रैखिक त्वरण यानी लाइनर एक्सेलरेशन द्वारा यानी एक लाइन सीधी लाइन में मतलब गति होना बराबर होता है, तो यह बराबर होता है त्रिज्या गुणे ओमेगा के। नेक्स्ट है न्यूटन के प्रथम गति के नियम को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो न्यूटन के गति के नियम को तीन नियम दिए हैं, जड़त्व का नियम, संवेग का नियम एंड क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो इसे जड़त्व का नियम के नाम से जाना जाता है। न्यूटन के गति के नियम को जड़त्व का प्रथम नियम को जड़त्व का नियम, जड़ता का नियम, अकर्मण्यता का नियम, लॉ ऑफ इनर्सिया, गैलीलियो का नियम आदि नामों से जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है किसी प्रक्षेपास्त्र की अनुलंब गति किस गति नियम से स्पष्ट होता है? तो किसी प्रक्षेपास्त्र की अनुलंब गति जो होती है वहां पे आपका न्यूटन का द्वितीय नियम लागू होता है। कौन सा नियम लागू होता है? त्वरण का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है न्यूटन के दूसरे नियम कोणीय व्याख्या का गणितीय प्रतीक क्या है? तो इसका गणितीय प्रतीक है ऑप्शन नंबर क, सिग्मा टी 9 बराबर 19W9। नेक्स्ट है दोस्तों बल के आगुण को यह भी कहा जाता है, तो बल के आगुण को बल आगुण यानी फोर्सफुल भी कहा जाता है।
नेक्स्ट है जिस बिंदु पर पिंड का कुल द्रव्यमान अथवा भार संकेतित माना जा सकता है वह क्या होता है। तो दोस्तों वह होता है घनत्व का केंद्र यानी सेंटर ऑफ डेंसिटी, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण केंद्र क्या होता है कि जहाँ पे किसी वस्तु का समस्त भार कार्य करता है वहाँ पे आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट होता है। यहाँ पे जिस बिंदु पर कुल द्रव्यमान अथवा भार संकेतित माना जाता है वहाँ पे घनत्व का केंद्र सेंटर ऑफ डेंसिटी होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन शारीरिक लक्षणों पर अनुवांशिकता का प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों रंग रूप कद ये सभी पर हेरिडिटी यानी अनुवांशिकता का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है अनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी में हेरिडिटी हमें विकसित करने के लिए क्षमताएं देती है, परंतु इन क्षमताओं के विकास करने का अवसर कहाँ पे होता है, पर्यावरण यानी कि नर्चर में इन्वायरमेंट में मिलना चाहिए। यह कथन में से किसका है, तो यह कथन है लैंडिस एंड लैंडिस का। नेक्स्ट है मानव शिशु को निम्नलिखित में से क्या देकर बड़ा किया जाता है। तो मानव शिशु को तो भोजन देकर ही बड़ा किया जाता है, क्योंकि वो शिशु अवस्था में ही हम व्यायाम तो कराएंगे नहीं उसको, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा क। तो दोस्तों आज के सेशन में 50 MCQ क्वेश्चंस का मैंने प्रैक्टिस कराया। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। कुछ क्वेश्चन दो चार क्वेश्चन हटके था, तो कोई बात नहीं, आ भी सकते हैं क्वेश्चन इस प्रकार के, इसलिए आप उस क्वेश्चंस को भी ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और डेली बेसिस इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय।